वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम फोकस करेंगे गोल्डन पॉइंट्स, जो कि फार्माकोलॉजी का है दोस्तों। फार्माकोलॉजी और जो मेडिसिन बोलते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में है दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको जरूर याद रखना। मैं जो डिस्कशन करूंगा दोस्तों, ये पार्ट वन है। इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, कहीं आपके एग्जाम में वीडियो के एक क्वेश्चन ना आ जाए, इसीलिए जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं हम अभी ये गोल्डन पॉइंट्स क्या है। तो पहला जो डिस्कशन करेंगे दोस्तों, एनाबोलिक स्टीरॉयड, सैलिसिलेट्स, अल्कोहल, मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, और इसको MAAI बोला जाता है। ओके, MAOIS बोल सकते हैं इसको, मोनो ऑक्सीडेज और मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। ओके, मे इंक्रीज द हाइपोग्लिसेमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है। अगर ज्यादा रहेगा तो उसको नॉर्मल लेवल आएगा। ओके, तो ये इसका काम यही है। ओके, हाइपोग्लिसेमिक इफेक्ट से क्या करता है, जो ड्रग्स के बारे में बोला, इन लोग क्या करते हैं, इसका हाइपोग्लिसेमिक इफेक्ट जो इंसुलिन का, उसको बढ़ा देते हैं। मीन यहाँ पर ज्यादा इंसुलिन काम करेगा उसी हिसाब। उसके बाद दोस्तों देखेंगे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में प्रोलॉन्ग द हाइपोग्लिसेमिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। में प्रोलॉन्ग जो इंसुलिन का, जो जैसे हम बोलते हैं इंसुलिन का, ओके, इंसुलिन का जो जितना भी एक्शन रहेगा क्या होगा, उसको प्रोलॉन्ग कर देगा। सपोज 5 मिनट है, 5 मिनट को 2 घंटा बढ़ा देगा, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोलॉन्ग बोला जाता है। तो ये ड्रग के बारे में जो बोला बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ये क्या करता है, इंसुलिन का जो हाइपोग्लिसेमिक इफेक्ट उसको बढ़ा देता है। एंड मे मार्क साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लिसेमिया। तो यहाँ पर हम हाइपोग्लिसेमिया का साइन सिम्टम दे सकते हैं, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एसिटिल सिस्टाइन। ओके, एसिटिल सिस्टाइन जो कि एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी में दिया जाता है, और एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग में दिया जाता है, मीन पैरासिटामोल पॉइजनिंग में हम एंटीडोट क्या देते हैं, एसिटिल सिस्टाइन दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। बट जब हम ये एसिटिल सिस्टाइन देंगे उसी टाइम हमको व्हाट शुड नॉट बी गिवन विथ एक्टिवेटेड चारकोल, इसको जरूर याद रखियो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखेंगे डू नॉट गिव एक्टिवेटेड चारकोल इन और विद आइसक्रीम, मिल्क और शरबत, बिकॉज दीज फूड्स, मीन जो आइसक्रीम के बारे में बोला, मिल्क बोला एंड शरबत बोला, ये क्या करता है, जो चारकोल का जो ऐसा कैपेसिटी है वो अब्जॉर्प्शन को कमा देता है, इसको जरूर याद रखना है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम यूज अल्जाइमर्स डिजीज ड्रग कॉशियसली। जब भी हम अल्जाइमर्स डिजीज का जो भी ड्रग्स हम व्यवहार कर रहे हैं तो उसको कॉशियसली व्यवहार करना है, किसके साथ, नॉन स्टीरोडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के साथ दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि ये नॉन इंफ्लामेटरी, ओके, नॉन स्टीरोडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जो होता है क्या करता है, बिकॉज द ड्रग इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को बढ़ा देता है। ओके, जिसके वजह से अल्सर होने का चांसेस, ओके, रिस्क बढ़ जाता है, और एक्टिव और ऑक्यूल्ड जीआई ब्लीडिंग हो सकता है, ये होने का ज्यादा चांसेस रहता है, इसीलिए जरूर याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे जेम फाइब्रोजिल विद लोभास्टिन मे कॉज मायोपैथी। ओके, जेम फाइब्रोजिल के साथ अगर लोभास्टिन दिया जाता है तो दोस्तों वो क्या करता है, मायोपैथी होने का चांसेस है। ओके, उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम अल्जाइमर्स डिजीज ड्रग्स में एग्जाजेरेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफेक्ट्स ऑफ द सक्सिनिलकोलिन टाइप एंड सिमिलर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट यूज ड्यूरिंग एनेस्थेसिया, इसको जरूर याद रखिए। अल्जाइमर्स डिजीज का जो ड्रग्स होता है वो क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक कर देता है। ओके, जैसे हम सक्सिनिलकोलाइन टाइप रहता है और सिमिलर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट यूज ड्यूरिंग एनास्थेसिया, ये सिमिलर जो न्यूरोमस्कुलर
के लिए व्यवहार किया जाता है एनास्थेसिया, उसी टाइप का ये अलिमोस्ट डिजीज का ड्रॉप्स होता है, इसको जरूर याद रखिए। फेरस ग्लूकोनेट शुड नॉट बी टेकन विद एंटासिड, ये जरूर याद रखना दोस्तों। ओके फेरस, ओके फेरस ग्लूकोनेट शुड नॉट बी टेकन विद एंटासिड मिल्क और होल ग्रेन सीरियल बिकॉज दिस फूड रिड्यूस द आयरन एब्जॉर्प्शन। ओके अगर फेरस ग्लूकोनेट कोई खाता है तो उसी टाइम हमको एंटासिड नहीं देना है, मिल्क नहीं देना है, होल ग्रेन सीरियल नहीं देना है, किस लिए? वो क्या करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स ड्रग्स इफेक्ट क्या है और एडवर्स रिएक्शन क्या है वही पता करते हैं। ड्रग्स कॉज एडवर्स इफेक्ट, ड्रग क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट करता है, बट क्लाइंट्स हैव एडवर्स रिएक्शन, बट जब पेशेंट में हम देखेंगे वो उसको बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन दोस्तों। तो एडवर्स रिएक्शन क्या होता है, ये टॉलरेट टू ऑब्टेन थेरापेटिक, हम जब इस पेशेंट को देते हैं क्या होते हैं पेशेंट में थेरापेटिक हिसाब से भी काम करते हैं और मेड बे हजारोज भी हो सकते हैं और अनएक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं दोस्तों। ओके सम एडवर्स रिएक्शन सबसाइड विद कंटिन्यूड यूज, ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीब्यूटिनिन ब्यूटिनिन इज ड्राई माउथ। अगर देखेंगे ऑक्सीब्यूटिनिन का जो होता है कॉमन साइड इफेक्ट उसका ड्राई माउथ होता है दोस्तों, इसको जरूर याद रखें। रिपैम्पिसिन और एनिडिस मेटाबोलाइट्स, ओके जब भी हम देते हैं ये मेडिसिन पेशेंट का यूरिन फिकस, ओके मीन स्टूल, फिकस का मतलब स्टूल, स्पूटम स्टीयर और स्वेट, जो स्वेट ओके स्वेद जो है ये क्या हो जाता है, इसका कलर ऑरेंज कलर हो जाता है। ओके ऑरेंज कलर हो जाता है, यूरिन ऑरेंज कलर हो जाए। उसके बाद दोस्तों रिपैम्पिसिन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ये क्या होता है, मैं कॉज जीआई अपसेट, जीआई अपसेट माने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट होने का चांसेस है, हेडेक भी हो सकता है, ड्राउजीनेस भी हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, विजुअल डिस्टरबेंसेस भी हो सकते हैं दोस्तों, उसके साथ साथ फीवर भी हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे अल्बुटेरॉल का जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, ओके हो गई अल्बुटेरॉल का कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, टाकिकार्डिया, नर्वसनेस, ट्रेमर्स, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी दोस्तों, अनदर वन इज द हेडेक, इसको जरूर याद रखना है, ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्बुटेरॉल का। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम एट्रोपिन, एट्रोपिन क्या करता है, सीक्रेशन को ड्राई अप कर देता है, इट लेसन द रेस्पॉन्स ऑफ सिलियरी एंड आयरिस स्फिंक्टर मसल इन द आई कॉजिंग मिड्रियासिस, एच एन एडवर्स इफेक्ट, ओके इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों एट्रोपिन यूजुअली कॉजेस पैराडॉक्सिकल एक्साइटमेंट इन चिल्ड्रेन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद है। मैं जितना मैं फार्माकोलॉजी का बोल रहा हूँ दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को अगर दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन का कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग होगा, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। रूबेला वैक्सीन जब दिया जाता है मेड फ्रॉम रूबेला वैक्सीन मेड फ्रॉम डॉग एग्स, ओके सो एन एलर्जिक रिएक्शन में ऑकर इन क्लाइंट विद एग एलर्जी, और कोई पेशेंट को अगर एग एलर्जी है तो ओके तो रूबेला वैक्सीन अगर दिया जाएगा तो उसको क्या होने का चांसेस है, ओके एलर्जिक रिएक्शन होने का दोस्तों है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे एंटी पार्किंसोनिन मेडिकेशन कॉज विविड ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स, इसको भी जरूर याद रखें। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड कॉज द क्लाइंट टू हैव नाइटमेयर्स, इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीटोसाइन, ओके जो ओके ऑक्सीटोसाइन जो टोकोलाइटिक्स है, हैज एन एंटी डायरेटिव इफेक्ट, ओके हैज एन एंटी डायरेटिक इफेक्ट दोस्तों, एंड कैन कॉज फ्लूइड ओवरलोड, ओके मीन पेशाब इन्हें नहीं देता है, ओके डायरेसिस का मतलब होता है पेशाब होना, ओके जो ड्रग्स पेशाब कराता है उसको डायरेटिक ड्रग्स बोलते हैं। एंटी डायरेटिक का मतलब क्या है, ड्रग्स जो भी ऑक्सीटोसिन दिया जाता है ओके जब लेबर पेन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, ओके उसी टाइम जो दिया जाता है क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड करने का चांसेस है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन में कॉज मैटरनल टाकिकार्डिया, इसको जरूर याद रखो। ऑक्सीटोसिन गिवन टू इंड्यूस और ऑगमेंट लेबर में कॉज
यूट्राइन टाकीसिस्टोल व्हिच इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर, इसको जरूर याद रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे एम्फेटामिन, एम्फेटामिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, मोनोएमाइन ऑक्सीडेट इनहिबिटर, बारबिट्यूरेट बेंजोडाइजेपाइन डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसको भी जरूर याद रखना। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर SSRI डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड कॉज विविड ड्रीम, ओके इसको भी जरूर याद रखना है दोस्तों। बेंजोडाइजेपाइन बारबिट्यूरेट कॉज डिक्रीज वेकिंग आफ्टर स्लीप ऑनसेट, इसको भी जरूर याद रखना है दोस्तों। ए क्लाइंट विद सिजोफ्रेनिया वुड बी एट रिस्क फॉर सेकेंडरी पार्किंसन डिजीज कॉज बाय टेकिंग क्लोरोप्रोमाजिन, ओके इसको भी जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एट्रोपिन अलाउज मोर लाइट ऑन टू द रेटिना मे कॉज फोटोफोबिया एंड ब्लर्ड विजन, एंड ब्लर्ड विजन दोस्तों जरूर इसको याद रखना है। एक एक ठो पॉइंट एक एक ठो आपके लिए एग्जाम के लिए के जो क्वेश्चन भी हो सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। उसके बाद दोस्तों देखेंगे फेनिटोन लेवल्स आर चेक्ड, फेनिटोन लेवल्स आर चेक्ड बिफोर गिविंग द ड्रग, ओके बिफोर गिविंग द ड्रग, ड्रग लेने से पहले फेनिटोन लेवल चेक करना जरूरी है। द ड्रग इज विथहेल्ड इफ द लेवल्स आर एलिवेटेड, ओके अगर देखेंगे जब देखेंगे कि ड्रग जब दिया गया है उसका जब चेक करेंगे तो अगर बढ़ा हुआ है तो ड्रग को हमको देने के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग टॉक्सिसिटी होने का ज्यादा जो ओके खतरा है, इसलिए जरूर याद रखिए। लिवोडोपा कार्बिडोपा मे रिक्वायर द क्लाइंट टेक ए ड्रग हॉलिडे, ओके लिवोडोपा कार्बिडोपा मे रिक्वायर दैट द क्लाइंट टेक ए ड्रग हॉलिडे, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीरॉयड ओपिएट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर अल्कोहल एंड सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर कॉज इंक्रीज वेकिंग आफ्टर स्लीप ऑनसेट, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। बिकॉज प्रोपानॉल कैन कॉज लाइट हेडेडनेस द क्लाइंट शुड बी टोल्ड टू राइज स्लोली व्हेन स्टैंडिंग, ये भी जरूर आप लोग याद रखिए। सीरम एस्पार्टेज अमीनो ट्रांसपरेज सीरम एलेनाइन अमीनो ट्रांसपरेज लेवल्स बिकम एलिवेटेड सून आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द एसिटामिनोफेन, ओके अगर कोई एसिटामिनोफेन अगर खाता है, अगर पैरासिटामोल खाता है तो क्या होगा, ओके सीरम एस्पार्टेज अमीनो ट्रांसपरेज एंड सीरम एलेनाइन अमीनो ट्रांसपरेज लेवल बढ़ जाता है। स्टीरॉयड यूज टेंड्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल पर्टिकुलरली इन क्लाइंट्स विथ डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज, इसको जरूर याद रखो। मैग्नीशियम सल्फेट क्रॉसेस द प्लासेंटा, मैग्नीशियम सल्फेट क्रॉसेस द प्लासेंटा, मैग्नीशियम सल्फेट जो रहता है वो क्या करता है प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है एंड प्रोड्यूस एडवर्स न्यूनाटल इफेक्ट, और क्या प्रोड्यूस करता है एडवर्स न्यूनाटल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ, हाइपोटोनिया हुआ, ब्राडीकार्डिया हुआ, इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। फोर्सा माइडी चे पोटासियम डिप्लीटिंग डायुरेटिक दोस्तों, ओके लासिक्स भी इसको बोलते हैं दोस्तों, दैट कैन कॉज हाइपोकैलेमिया, ओके जो 3.5 ओके 3.5 टू 5.5 मिलीग्राम पर ओके लीटर होता है दोस्तों सीरम पोटासियम लेवल का, तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन, ओके लेस देन हो जाएगा, लेस देन 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा दोस्तों पोटेशियम का, अगर किसी को ये दे देते हैं तो क्या लासिक्स और फुरसामाइड दे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ई पे क्लाइंट रिपोर्ट डिफिकल्टी स्वालोइंग एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रेशन वन आवर आफ्टर रिसीविंग पाइरिगोस्टिगमाइन ब्रोमाइड, इट सजेस्ट कोलिनर्जिक क्राइसिस एंड एक्सेसिव एसिटिलिन कोलिनस्टेरॉइड मेडिकेशन, कोई भी अगर पेशेंट ओके कोई भी पेशेंट अगर पाइरिगोस्टिगमाइन और पाइरिडोस्टिगमाइन ब्रोमाइड लिया है तो एक घंटा के बाद क्या होगा, ओके डिफिकल्टी स्वालोइंग एंड एक्सेसिव रेस्पिरेटरी सिक्रेशन कंप्लेन करेगा, ओके तो हमको सजेस्ट करना है कि कोलिनर्जिक क्राइसिस भी हो सकता है दोस्तों और एक्सेसिव एसिटिल कोलिनोस्टेरॉइड मेडिकेशन के वजह से। उसके बाद दोस्तों देखेंगे इम्यूनो सप्रेशन विथ रिपीटेड यूज इन एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट माइस्थेनिया ग्रेविस,
ओके मायस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए ओके इम्यूनोसप्रेशन ड्रग जैसी ओके मीन स्टेरॉइड मेडिकेशन जब एडमिनिस्ट्रेशन करता है तो इम्यूनोसप्रेशन करता है दोस्तों ओके जो कि मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए भी व्यवहार किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ट्राईहेक्जी फेनिडिल इज एन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट दैट कॉजेस ब्लड ऑब्लेशन ड्राई माउथ ओके कॉन्स्टिपेशन यूरिन रिटेंशन दोस्तों इसको जरूर याद रखना है। ओके फिनोथियाजाइन सच एज क्लोरोप्रोमाजिन डिप्लीट डोपामिन व्हिच मे लीड टू ट्रेमोर एंड रिजिडिटी और जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम बाय एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट भी बोला जाता है दोस्तों इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। लॉन्ग टर्म थेरेपी जब दिया जाता है विद लेवोटोबार कार्बिडोपा कैन रिजल्ट इन ड्रग टॉलरेंस और टॉक्सिसिटी दोस्तों ये भी जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। थैंक यू। चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।